गुड मॉर्निंग क्लास. सो टुडे वी विल स्टार्ट योर न्यू टॉपिक, न्यू यूनिट, दैट इज द एंडोक्राइन सिस्टम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद ग्लैंड्स. नाउ व्हाट इज ग्लैंड्स? ये आपने स्टार्टिंग में भी पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर्स में कि ग्लैंड क्या होता है. सो एन ऑर्गन विच सिक्रीट पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंसेस फॉर यूज इन द बॉडी और फॉर डिस्चार्ज इन टू द सराउंडिंग. तो ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड एक ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि क्या करता है, सिक्रीट करता है या फिर डिस्चार्ज करता है कुछ केमिकल सब्सटेंसेस बॉडी में. ठीक है, क्या होता है, ग्लैंड एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि डिस्चार्ज या फिर सिक्रीट करता है कुछ केमिकल सब्सटेंसेस थ्रू ब्लड. ठीक, फॉर दैट इज़ फॉर द यूज़फुल इन द बॉडी, जो कि बॉडी के लिए यूज़फुल होता है. ठीक है, सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स इन अवर बॉडी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड हेटरोक्राइन ग्लैंड्स. सो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर ग्लैंड्स डैट सिक्रीट देयर प्रोडक्ट इनटू डक्ट. ये आपने पहले भी पढ़ा है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है. सो एक्सोक्राइन ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड होती हैं जो कि क्या करती हैं, जो भी केमिकल सब्सटेंस हैं वो डायरेक्टली सिक्रीट करती है डक्ट में. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड, स्टमक और लीवर. नेक्स्ट इज एंडोक्राइन ग्लैंड. सो द ग्लैंड्स डैट सिक्रीट देयर प्रोडक्ट हॉर्मोन्स डायरेक्टली इन टू द ब्लड रैदर दैन थ्रू अ डक्ट. एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं? डक्टलेस होती हैं और ये एक ऐसी ग्लैंड होती हैं जो कि डायरेक्टली जो सिक्रीट और डिस्चार्ज करती हैं केमिकल हॉर्मोन्स, कहाँ पर डिस्चार्ज करती है? डायरेक्टली इन टू द ब्लड. वो डक्ट के थ्रू ना डिस्चार्ज करके वो डायरेक्टली क्या करती है, ब्लड में हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती है या फिर डिस्चार्ज करती है. जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, पैंक्रियास, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड्स. ठीक, नेक्स्ट वन इज हेटरोक्राइन ग्लैंड्स. सो दीज आर द ग्लैंड्स डैट परफॉर्म बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल पैंक्रियास. सो हेटरोक्राइन ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड होती हैं जो कि क्या करती हैं, वो बोथ फंक्शन, दोनों फंक्शन करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी और एंडोक्राइन ग्लैंड का भी. ठीक है, तो मतलब क्या करेंगी, वो डक्ट के थ्रू भी, डक्ट में भी सिक्रीशन अपने डिस्चार्ज करेंगी. ठीक है, और क्या करेंगी, या फिर वो ब्लड में भी अपने सिक्रीशन को डिस्चार्ज करेंगी. ठीक है, जैसे कि ये होता है पैंक्रियाज, हेटरोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल होता है पैंक्रियाज. ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है. दिस ओवरऑल यूनिट इज़ अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है, डैट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम. सो एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड ग्रुप ऑफ कैपिलरीज विच फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ हॉर्मोन्स टू ब्लड स्ट्रीम. अब एंडोक्राइन सिस्टम है तो एंडोक्राइन ग्लैंड की बात हो रही है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होंगी, डक्टलेस ग्लैंड होंगी. ठीक है, जो कि डायरेक्टली क्या करती हैं, कैपिलरीज की हेल्प से क्या होती हैं, इन ग्लैंड्स में क्या होती हैं, ग्रुप ऑफ कैपिलरीज होती हैं जो कि डिफ्यूजन पास करके क्या होते हैं, वो हॉर्मोन्स क्या होते हैं, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं. ठीक है, जो कि सिक्रीट करती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड. दे आर कॉमनली रेफर्ड एज द डक्टलेस ग्लैंड बिकॉज द हॉर्मोन सिक्रीटेड डायरेक्टली इन टू द ब्लड स्ट्रीम. ये क्या होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड होती हैं. क्यों होती हैं डक्टलेस ग्लैंड? क्योंकि क्या होती हैं, ये जो अपने केमिकल सब्सटेंस हैं, जो कि हॉर्मोन्स हैं, अपना जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली सिक्रीट करती हैं ब्लड स्ट्रीम में. ठीक है, सो एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम में, एंडोक्राइन ग्लैंड में देयर आर वेरियस नंबर ऑफ ग्लैंड, डैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैंक्रियास एंड थाइमस ग्लैंड. अब इस यूनिट में जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इसमें हमें ये सब ग्लैंड वन बाय वन हमको पढ़ना है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. इसमें भी, अब पिट्यूटरी ग्लैंड में हमें एंटीरियर पिट्यूटरी पढ़ना है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पढ़ना है और इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ना है. ठीक है, सो पिट्यूटरी ग्लैंड, व्हाट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है. अ स्मॉल स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ द ब्रेन विच रिलीज अ वाइड वैरायटी ऑफ हॉर्मोन डैट इज इन टर्न कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ बॉडीज अदर हॉर्मोन्स ग्लैंड.
सो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्रेन के बेस में, ब्रेन का जो पर्टिकुलर पार्ट है हाइपोथैलेमस पार्ट, वहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड अराइज होती है, ठीक है, वहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड इट इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर दैट इज़ अराइजेज फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन, और क्या करती है, ये कुछ रिलीज करती हैं वाइड वेराइटी ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है। जैसे कि कौन से हार्मोन्स हो जाएंगे? ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है, ADH, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो अभी हम ये सब हार्मोन आगे पढ़ेंगे वन बाय वन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि ब्रेन के पर्टिकुलर पार्ट हाइपोथैलेमस के पार्ट से जस्ट अराइज होती है, ठीक है, वहीं से स्टार्ट होती है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? ये रिलीज करती है बहुत टाइप के हार्मोन, जैसे कि एंटी डायरेटिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि क्या करता है, बॉडी की वेरियस एक्टिविटीज़ को, बॉडी के वेरियस हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। सो दिस इज़ द पिट्यूटरी, ठीक है। आप इस इमेज से पता चल जाएगा कि ब्रेन में क्या है, हाइपोथैलेमस पार्ट है, और यहाँ से क्या हो रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड जस्ट ये अराइज हो रही है, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं पोस्टीरियर ग्लैंड क्या होता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, सो द पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस मीन्स आपको बता दिया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का अनदर नेम होता है, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, ठीक है। तो इसका जो आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, अब दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब, ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा इसके इमेज से, दिस वन इज एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, एंटीरियर लोब, और नेक्स्ट वन इज, सेकंड डिवीजन इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी दैट इज पोस्टीरियर लोब, ठीक है। तो एंटीरियर लोब को क्या बोला जाता है, एडिनो हाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर लोब को क्या बोला जाता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो एडिनो हाइपोफाइसिस दैट इज एंटीरियर लोब, ठीक, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हार्मोन्स विच कम फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, हाइपोथैलेमस से अराइज हो रही है ना, तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस से ही, हाइपोथैलेमस की हेल्प से क्या होंगे, रिलीज होंगे हार्मोन, सिक्रीट होंगे। तो एंटीरियर लोब क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, हार्मोन्स को जैसे कि सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड हार्मोन, इन सबको सिंथेसाइज करती है और सिक्रीट करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूरो हाइपोफाइसिस दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पोस्टीरियर लोब। इट इज इन्फ्लुएंस बाय द न्यूरॉन्स विच कन्वे इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ द पोस्टीरियर लोब। अब ये क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी तो क्या कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है और सिक्रीट कर रहा है हार्मोन्स को, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड हार्मोन। बट जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये क्या कर रहा है दो टाइप के हार्मोन्स हैं उनको स्टोर करता है और रिलीज करता है। वो कौन से हार्मोन है, डैट इज वैसोप्रेसिन हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है। और क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ से होती है, हाइपोथैलेमस से अराइज होती है, जस्ट उसके नीचे से, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड में दो डिवीजन है, डैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोला जाता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोला जाता है, ठीक है। तो एंटीरियर में क्या होता है, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द हार्मोन्स विच कम फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स आ रहे हैं उनको क्या करता है, सिंथेसाइज करता है और सिक्रीट करता है। जैसे कि इसमें कौन से हार्मोन आ जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड हार्मोन, और ADH हार्मोन, ठीक है, एंटी डायुरेटिक हार्मोन। अब न्यूरो हाइपोफाइसिस में क्या जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये क्या करता है, ये भी हाइपोथैलेमिक की हेल्प से ही क्या करता है, स्टोर करता है और रिलीज करता है दो टाइप के हार्मोन को, डैट इज वैसोप्रेसिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इन सब हार्मोन्स को हम आगे वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या आ जाते हैं, हार्मोन्स
पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब कौन से हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन दैट इज ACTH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट इज LH। अब जो इंटरमीडिएट लोब है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, दैट इज A&B मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थर्ड पार्ट जो है पोस्टीरियर लोब जो है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही है, वैसोप्रेसिन हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन।